रियाज में मन कैसे लगाएं? थोड़ी देर बैठते हैं, फिर उठने का मन करता है बार बार, और बीच बीच में कुछ ना कुछ काम आ जाता है। कैसे एक रेगुलर सिटिंग कैसे करें? ये कुछ सवाल हैं जो आप में से कई म्यूजिक लर्नर्स हैं जो मुझसे करते हैं, और ये एक दुविधा है उनके लिए कि मन नहीं लगता है रियाज में। और मालूम है इच्छा बहुत होती है कि ज़्यादा देर तक बैठ के करें, पर क्या करें, मन जो है वो कच्चा हो जाता है, मन बहलता है, बार बार उठने का मन करता है, या रेगुलर प्रैक्टिस जो है कि रेगुलर रूटीन नहीं बन पा रहा है, शेड्यूल नहीं बन पा रहा है, तो क्या कर सकते हैं? तो आइए कुछ चर्चा करते हैं, कुछ अपने विचार में रखने की कोशिश करता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ आपको कि मन लगाइए, करना पड़ेगा, है ना। तो आइए पूरा वीडियो देखिए और जानिए कि कैसे हम मन लगा सकते हैं रियाज में, एक मोटिवेशन जो है कहाँ से हम ढूंढें। घर बैठे निशुल्क संगीत सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैनपुरी म्यूजिक स्कूल, उत्तर प्रदेश। अगर आप चाहते हैं पंडित अवध किशोर पांडे, SPW के फाउंडर डायरेक्टर से म्यूजिक सीखना, उनके पास बैठकर क्लास लेना, तो अभी कांटेक्ट कीजिए इन नंबर्स पर और जानिए कि क्या है एडमिशन प्रोसेस। व्हाट्सएप क्लास भी अवेलेबल है। चलते चलते पाँव हो जाएंगे पत्थर देखना, चलते चलते पाँव हो जाएंगे पत्थर देखना, याद जब भी आएगा, याद जब भी आएगा, उसका पलट कर देखना, चलते चलते पाँव हो जाएंगे पत्थर देखना। तो आइए शुरू करते हैं उस पर चर्चा जो मैं बताने वाला था कि मन कैसे लगाएं रियाज में। थोड़ी देर बैठते हैं आप और फिर एक अजीब सी बेचैनी होती है, आपको लगता है यार बोर हो रहे हैं, क्या करें, क्योंकि आज की जो जनरेशन है हम फ़ोन से बड़े एडिक्ट हैं। हमें लगता है यार फ़ोन के बिना तो कैसे हम काम चलाएंगे, है ना। थोड़ी थोड़ी देर में हमें इंस्टाग्राम चलाना होता है, फेसबुक चलानी होती है, यूट्यूब देखना होता है, कुछ ना कुछ करना होता है, तो ऐसे में हमारा शेड्यूल बांधना एक बड़ा ही मुश्किल काम रखता है। देखिए मैं खुद भी एक बच्चा ही हूँ, कोई ज़्यादा इस चीज़ में तजर्बा रखता नहीं हूँ, तो फिर भी लेकिन अपना एक एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ मेरे साथ नहीं होती कि मेरा मन बड़ा ही मजबूत है और मैं बड़ा मोटिवेटेड हूँ और रेगुलर प्रैक्टिस कर लेता हूँ और लगे रहता हूँ, ऐसा नहीं है। मन मेरा भी बहलता है और यू नो जॉन साहब का शेर याद आ गया मुझे कि मैं भी उसी तरह बहलता हूँ, सब जिस तरह बहलते हैं, है ना, वो वाली बात है कि मेरा भी वही है। लेकिन हाँ, मुझे कुछ मोटिवेशन एक है जो मुझे रेगुलर मिलता रहता है, जो मैं अपने आसपास से लेता हूँ और कोशिश करता हूँ, आप भी और आपको भी बताता हूँ कि आप भी कोशिश करें और वैसा ही मोटिवेशन लेने की कोशिश करें। देखिए क्या होता है, क्योंकि मैंने अगर मान लीजिए कुछ रेगुलर रियाज कर लिया और उसके बाद मुझे उसका कुछ फल मिल गया, यानी कि फ़र्क महसूस हुआ मुझे मेरे गले में, दिमाग में, हाथ में, है ना, तबले में या फिर गाने में, हारमोनियम में, जिसमें भी मैं कर रहा हूँ, तो क्या होता है वो मेरे जहन में रहता है कि वो एक लेवल है जो मैंने सेट कर लिया है। फिर अगर मैं कुछ दिन रियाज नहीं करता हूँ और मेरे को उस लेवल से हल्का सा भी नीचे अगर नज़र आता है ना, तो लगता है यार, एक मन खट्टा सा होता है, लगता है यार नहीं यार मैं कर सकता हूँ, एक्चुअली में जो वो मेरा कंपटीशन है वो मैं खुद हूँ, मैं अपने आप का कंपटीशन बन जाता हूँ। मुझे लगता है यार इतना तो मैं कर सकता था, ये भी नहीं हो रहा अभी मुझसे, ये भी नहीं गवरा है, ये स्वर भी ऐसे भी नहीं लग रहा, ये तो लग रहा था, वो क्यों लग रहा था, क्योंकि वो मुझे मालूम अगर चल जाए एक बार कि वो कैसे लगा था, है ना, तो मैं फिर उसको वापस प्रयास करूँ तो वो मुझे मालूम होता है कि कैसे लगा था, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस की थी, रियाज किया था। तो पहली चीज़ तो खुद से मोटिवेशन लें, खुद अगर एक बार रियाज करने बैठ गए हैं और अगर आपने कुछ हासिल कर लिया है तो अपने आप उस हासिल की गई मंजिल से आप फिर से हौसला ले सकते हैं, है ना, कि यार यहाँ से मुझे मिलता है हौसला कि यार ये तो मैंने किया हुआ है तो कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं, मैं कर सकता हूँ, 2 घंटे, अरे 2 घंटे तो मैंने किया हुआ है रियाज, कौन सी बड़ी बात है, है ना। तो वो चीज़ है, पहला तो अपने आप से मोटिवेशन लीजिए। फिर मेरे साथ जो सीखते गाते बजाते हैं, मैं थोड़ा बहुत इंस्पिरेशन उनसे लेता हूँ
कई बार एक पॉजिटिव एक हेल्दी कंपटीशन रहता है कि यार मैंने रियाज नहीं किया या प्रैक्टिस नहीं करी तो इनसे पीछे हो जाऊंगा मैं, है ना। तो एक वो भी रहता है कि आप एक हेल्दी कंपटीशन भी अपने साथ रखिए, है ना, कि यार ये आगे नहीं निकलना चाहिए, मुझे आगे रहना है, है ना। तो एक वो अगर होड़ रहे आगे निकलने की, है ना, नेगेटिव मत ले जाइए इसको कि मुझे आगे बढ़ना है, इसको पिछाड़ना है पीछे, नहीं 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 नहीं, अपने आप को आगे बढ़ाना है, किसी और को पीछे धकेलना है ये नहीं, हमें आगे बढ़ना है। तो एक हेल्दी कॉम्पिटिशन वहाँ से मिलता रहता है। और बाकी तो आप लोग हैं क्रिटिसिज्म जो कि सबसे ज़्यादा बेहतरीन मोटिवेशन होता है कि कहीं ना कहीं उन क्रिटिक्स को मुझे कम करना है, तो उसके लिए मैं थोड़ा मोटिवेट होता रहता हूँ कि यार नहीं, अगर मैंने रियाज नहीं किया, 400 मेरे गलत कहीं लग गए तो मैं अगर किसी के सामने गा रहा हूँगा तो वो तो मुझे सुना देगा कि तुम्हारे खुद के तो लग नहीं रहे, तुम दूसरों को क्या बता रहे हो, है ना। तो वो एक वो चीज़ है। तो ऐसा कुछ अब कोई मेरे पास मंत्र नहीं है कि मैं आपको दे दूँ कि आप लगातार प्रैक्टिस कीजिए, बस एक है शेड्यूल बनाने की कोशिश कीजिए, है ना। दिन में 2 घंटा ही सही, पर करना है, 4 घंटा ही करना है तो करना है, 2 घंटा दिन में, 2 घंटा शाम में, 2 घंटा दिन में या सुबह, है ना। जब का भी आपने शेड्यूल बनाया उसको फॉलो कीजिए बस, और अड़ जाइए, डंट जाइए, जिद्दी बन जाइए कि उस टाइम तो फिर मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, थोड़ा झगड़ना पड़ेगा, है ना, आसपास, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि कोई उठा देता है आपको किसी काम के लिए, तो थोड़ा लड़ना पड़ेगा, थोड़ा हट करना पड़ेगा कि नहीं मुझे नहीं हटना है, ये मेरा काम है, मुझे तो करना है। और इसके अलावा आप मुझे वक्त, किसी भी वक्त काम बताइए, इस समय मत बताइए। तो थोड़ा जिद भी करना पड़ेगा, थोड़ा लड़ना भी पड़ेगा, है ना, अपने, जाहिर बात है, पेरेंट्स से भी, और थोड़ी अपनी प्रायोरिटीज़ सेट करनी पड़ेंगी, है ना, कि क्या काम मुझे करना। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि इन्जॉयमेंट को आप हटा ही दीजिए, एकदम संति बन जाइए, नहीं भाई, मैं वो राय नहीं दे सकता क्योंकि मैं खुद वैसा नहीं करता हूँ, लेकिन ये ज़रूर कह सकता हूँ कि उस तरफ कैसे बढ़ना है, ना, ज़्यादा से ज़्यादा अपना वक्त इस विषय में कैसे देना है, संगीत में कैसे देना है। तो वो ये है कि कुछ चीज़ें त्यागनी पड़ेंगी, है ना, बगैर त्याग के तो कुछ भी मुमकिन नहीं है, कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, कुछ चीज़ों से लड़ना पड़ेगा कि ये चीज़ें मुझे नहीं करनी है तो नहीं करनी है, इस समय तो नहीं ही करनी है, इस समय प्लीज़ आप मुझे मत उठाइए और कोई काम मत बताइए। देखिए, मैं जानता हूँ ये बहुत मुश्किल काम है क्योंकि जिम्मेदारियाँ सबके सर रहती हैं, है ना, तो मैं ये नहीं कह सकता कि आप जिम्मेदारियों से मुँह फेर लीजिए, ऐसा नहीं कहूँगा, लेकिन कैसे ना कैसे करके हमें करना पड़ेगा। जिनके पास कोई जिम्मेदारी नहीं है ना, मैं उनके लिए अगर ये चीज़ कहूँ तो तुम्हें थोड़ा आलस छोड़ना पड़ेगा, है ना, जो हम कर जाते हैं, हमें इन्जॉयमेंट में थोड़ा, हमें मज़ा ज़्यादा आता है ना, जाहिर बात है, तो उस मज़े को इसमें ढूंढिए ना। रियाज जब आप करेंगे बेनिफिट मिलेगा तो देखिए कितना मज़ा है आगे, उस तक तो पहुंचिए, उस मजबूत मज़े तक तो पहुंचिए जो स्टेबल है। ये मज़ा तो टेम्प्रेरी है एंटरटेनमेंट का, कोई मूवी देख ली, कोई चीज़ है ना, कोई कॉमेडी वीडियो देख लिया, वो एंटरटेनमेंट टेम्प्रेरी है। इसके बाद जो मज़ा मिलने वाला है वो लेविश है, है ना, वो लग्जीरियस है, उस तक पहुंचिए। ये करने के बाद देखिए आपको बहुत कुछ मिलेगा। तो वो है, ये थोड़ा लालच अपने आप को दीजिए, है ना। तो ऐसे ही कुछ ना कुछ करते रहिए, कुछ मोटिवेट होते रहिए, और सोचिए कि अगर करेंगे तो शायद कुछ मिल जाएगा, नहीं करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, है ना। कुछ मोटिवेशन मैं ऐसे लोगों से लेता रहता हूँ जो मुझसे आगे हैं, जाहिर बात है, जिनको मैं समझता हूँ यार इनको तो बहुत कुछ आता है, वो तब भी लगे हुए हैं, तब भी करते हैं अभ्यास, तो मैं देखता हूँ यार मैंने तो अभी कुछ किया ही नहीं है, है ना। जब इन्होंने, जिनके कहीं ना कहीं देखा जाए तो मंजिल इतना करीब है, तब भी वो इतना प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मेरे पास तो अभी बहुत आगे रास्ता पड़ा है, तो थोड़ा मोटिवेशन वैसे ले लेता हूँ। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, आप भी ऐसे ही आसपास अपना मोटिवेशन ढूंढिए, ढूंढने से मिलेगी इंस्पिरेशन, कोई आके घर आके देके नहीं जाएगा आपको, ठीक है। तो खुद करिए और लगे रहिए और मन बनाइए, कोशिश कीजिए कि करना है। एक शेड्यूल अगर सेट कर लिया तो फिर उसको नहीं तोड़ना, वो 2 घंटे कोई नहीं छेड़ सकता आपको, थोड़ा हट करिए, थोड़ी जिद करिए, ठीक है। देखते रहें संगीत प्रभाव वर्ल्ड का चैनल, ऐसे ही बातें मैं आपको बताता रहूँगा, चीज़ें बताता रहूँगा। सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें इस वीडियो को ताकि ऐसे लोगों तक पहुँचे, थोड़ा मोटिवेट हों वो लोग भी। शुक्रिया।